कितना खौफ होता है शाम के अंधेरे में, कितना खौफ होता है शाम के अंधेरे में, ये पूछ उन परिंदों से जिनके मकान नहीं होते। ऐसा ही कुछ खौफ मेरे उन दोस्तों के बैठा हुआ है जिन्होंने एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दिया है। देखिए, जो लेटर वायरल हो रहा है कि 15 अप्रैल से एसएससी जीडी के फिजिकल हैं, तो उसके बाद मेरे दोस्तों के कमेंट आने स्टार्ट हो गए। सबसे पहले पूछने लगे कट ऑफ। तो भाई मैं बता दूं, देखिए पहले मैं अपने बारे में बताऊं दोस्त, मैं पिछली से पिछली वाली भर्ती में एसएससी जीडी में एज ए एसएसबी सेलेक्टेड हूं। मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस एसएसबी थी तो मुझे एसएसबी भी मिली, ठीक है। लेकिन मैं वो बात की बात है, कितने नंबर थे मुझे, अगर मैं चाहता तो मुझे एसएसएफ मिल जाती, ठीक है। लेकिन मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस एसएसबी थी तो मेरी मुझे एसएसबी मिली। लेकिन उसी दरमियान मैंने यूपी पुलिस कांस्टेबल ज्वाइन कर ली थी, तो मैं उसी में रहा। उसके बाद यूपी पुलिस के बाद मैं अभी यहाँ आ गया दिल्ली पुलिस एकेडमी में। दिल्ली पुलिस में ट्रेनिंग कर रहा हूँ एज ए कमांडो, ठीक है। तो मैं बताऊँ, सबसे पहले दोस्त मेरे पूछ रहे हैं जो कट ऑफ वाली, कि सर कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो दोस्त देखिए, मैं अब तक खुद की बताऊं, जब मैं पढ़ाई करता था, अब भी कर रहा हूं, लेकिन इन्हें एक जॉब के लिए मैं भटक रहा था जब तैयारी करता था। तो जो कई सर हैं सम्मानित जो टीचर हैं, उनको मैं भी फॉलो करता था, आप भी फॉलो करते आए हैं, और उनकी आप किसी भी आप उनकी कट ऑफ को जो एनालाइज है उसे देखना, आप सटीक बैठते हैं उनकी। जैसे अंकित भाटी सर, मैं बहुत दिन से उन्हें फॉलो करता हुआ आया हूँ, जब मैं तैयारी करता था तब से ही, ठीक है। तो उन्होंने जो बताई है कट ऑफ, उधर इतनी ही रहनी है कट ऑफ, ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे थोड़ा बहुत रह सकता है। तो आप बेझिझक होकर आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। सबसे पहले तो देखिए, जिन लोगों ने 10-5 दिन पहले स्टार्ट किया जो तैयारी, आप एक काम करिए, पूरा 5 किलोमीटर दौड़िए बेशक धीमे धीमे चाल से, ठीक है, लेकिन आपको कंप्लीट करना है 5 किलोमीटर। और अगर ऐसे ही आप 5 किलोमीटर कंप्लीट करते रहे तो आपकी जो स्पीड है वो अपने आप जो है बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन आपको पूरा 5 किलोमीटर दौड़ना है, और वीक में एक दिन आपको रेस्ट देना अपने आपको, ठीक है। वैसे ही घूम घाम के आ गए एक्सरसाइज वगैरह करके, लेकिन वीक में एक दिन अपने आपको रेस्ट दो, ठीक है। उसके बाद जो कमेंट कर रहे हैं कि सर जो वहाँ पर फिजिकल होता है वो 400 मीटर का ग्राउंड होता है या फिर कुछ और, तो दोस्त मैं बताऊँ, मेरा जो फिजिकल था वो सूरजपुर था CISF में। उसमें क्या था, देखिए वहाँ से सेंटर से अंदर से 50-50, 60-60 लोगों को बसों के द्वारा ले जाया जाता था, और जो BSF के सेंटर से छोड़ दिया गया, और फिर दोबारा से CISF के जो सेकंड नंबर गेट है वहाँ तक आपका 5 किलोमीटर का राउंड पूरा हो जाता था। ऐसे ही मैंने अपने दोस्त से पूछा जिसका इलाहाबाद था, उसने भी ऐसे ही बताया। तो भाई कुल मिलाकर ये है, SSC GD का जो फिजिकल है वो सड़क पर करवाया जाता है, ठीक है। ये भी ज़रूरी नहीं था कि बारिश का माहौल है तो ग्राउंड वगैरह जो 400 मीटर का है ट्रैक है उन पर पानी भरा रहता है, आप सड़क पर कर सकते हैं आराम से, ठीक है। वहाँ पर सड़क का यूज किया जाता है। मेरा 14 अगस्त का था दोस्त, 14 अगस्त का, उससे अगले दिन का रक्षाबंधन और 15 अगस्त दोनों थी, ठीक है। तो यहाँ पर करवाया था, तो उसमें घबराने की बात नहीं है, और अपने आप को मजबूत करिए यार, ठीक है। देखिए अगर आपने ये मान लिया ना कि मुझसे नहीं होगा तो होगा ही नहीं भाई, कितनी भी मेहनत कर लीजिए। और यदि आपकी थोड़ी भी तैयारी है और आपके अंदर जो है कॉन्फिडेंस है कि मैं कर सकता हूँ, तो आप कर सकते हो। जब मेरे जैसा लड़का कर सकता है, ठीक है, तो हर कोई कर सकता है, मैं ये समझता हूँ। सिर्फ हिम्मत रखिए, अपने आप को कॉन्फिडेंट रखिए, ठीक है। आप यहाँ तक पहुँचे हो, ठीक है, यहाँ तक बहुत ही मुश्किल, आप लगा लो इतने सारे फॉर्म फिल हुए थे, उनमें से आप सेलेक्ट होकर आओगे, ठीक है, तो बड़े नसीब से मिलता है ऐसा, ठीक है दोस्त। तो अपनी तैयारी को अच्छे से, ऐसा ना करें ऐसा हल्के में लेके जी हो जाएगा, फिर पता है पछताना रह जाता है, फिर हम अपने आप को कोसते रहते हैं और समय निकल जाता है, कोसते रहो, बहुत ही सुनहरा अवसर आपके मिलने वाला है। तो वो जो डाउट में ना रहे, जो जिनके थोड़े बहुत भी नंबर हैं वो डाउट में ना रहें, अपने फिजिकल तैयार करें यार, कोई भी चीज़ ख़राब ना जाती, मेहनत कभी ख़राब नहीं जाती, ठीक है दोस्त। यहाँ नहीं कहीं और जगह काम आएगी, लेकिन देखो अगर आप उम्मीद बनाए रखोगे तो यहाँ भी काम आएगी। देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल की बताऊँ मैं, जब 2019 वाला जो एग्ज़ाम था उसमें लोगों ने उम्मीद टूट गई थी उनकी, ठीक है, वो फिजिकल वगैरह की तैयारी नहीं किए थे, किसी ने तैयारी ना की, उनका पता चला उनका फिजिकल के लिए एडमिट कार्ड आ गया, फिर उनका फिजिकल नहीं हुआ। तो उम्मीद अपने आप में बना कर रखिए, क्या पता आपका आ जाए फिर आप फिजिकल नहीं हो, तो वो वहाँ पर ज़्यादा दुख लगेगा, ठीक है। यहाँ पर नंबर आने से ज़्यादा जब लगेगा जब आपसे फिजिकल ना होगा, और समाज में जो
एक अलग धारणा बन जाती है कि इस वजह से फिजिकल भी ना हुआ, पेपर कोई हो गया होगा ऐसे ही पास, ठीक है। तो अपने आप को और सही रखिए, सेहतमंद रहिए, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, इसमें अपने आप को स्वस्थ रखना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। मच्छर वगैरह से बच के और अपना ट्रैवल कम कीजिए, भी हाथ पैर टूटने का बहुत डर रहता है, ये बरसात का मौसम है, यूँ ही गाड़ी स्लप हो जाती है, फिर लेके प्लस्तर चढ़ा के ऐसे घूमते रहोगे, फिर लोग ताना दे दे के मार देंगे आपको, ठीक है दोस्त। तो तैयारी करिए अच्छे से, आपका फिजिकल नज़दीक है, 15 अप्रैल से जो डेट आई है वो सही है, जो आपका नोटिस जो आ रहा है वो ठीक है। अगर कोई आपका डाउट है तो कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है दोस्त। मिलते हैं आगे, जय हिंद।